than standing. Assalamu alaikum, welcome back to my channel. How are you all? If you are new, my name is Beenish Khan. So, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ये आई लुक जो कि बहुत ही क्यूट लग रही हैं और वेयरेबल आई लुक है. ये आई लुक जो है मैंने इंस्पिरेशन ली है काइली जेनर से जो कि यहाँ पे मैं उनकी पिक्चर्स लगा दूँगी. या इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो कि किस तरह से ये आई लुक क्रिएट की जाए तो कीप ऑन वॉचिंग. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिंग द बेल आइकन सो यू ऑलवेज नोटिफाइड कि मैंने वीडियो अपलोड की है तो वीडियो को देखना है. सो या वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके आई ऑलरेडी डिड माई फाउंडेशन कंटोरिंग थोड़ी सी और ब्लश ऑन वो भी थोड़ा सा ब्लश ऑन लगाया है. सो आईब्रोज भी मैंने डन कर ली हैं क्योंकि क्योंकि कुछ नया नहीं है फाउंडेशन का. मेरी जो रूटीन है वही सेम रूटीन है. सरद नस्बा का फाउंडेशन यूज़ किया है मैंने इन शेड बेज जो कि बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है. आई डोंट लाइक स्टिक फाउंडेशन, आई डोंट लाइक केक फाउंडेशन. ये बहुत ही अच्छी फिनिश देता है ये सरद नस्बा का जो फाउंडेशन है. दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड. मैंने यूज़ किया है और काफ़ी देर तक लगा के भी चेक किया है कि कितनी देर तक ये फाउंडेशन स्टे करता है. मेरी जो स्किन है वो ऑयली स्किन है. टी जोन मेरा ऑयली है, बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है. सो इस फाउंडेशन की वजह से मेरे फेस पे ऑयल कम आता है और ये फाउंडेशन काफ़ी देर तक लास्ट करता है. सो नथिंग न्यू फॉर माई फाउंडेशन रूटीन. सो आईज़ पे मैं अब कंसीलर लगा रही हूँ एसेंस कॉस्मेटिक का कैमोफ्लेज कंसीलर. और इसको मैं स्पंज की मदद से ब्लेंड कर दूँगी. ओके नेक्स्ट टाइम टेकिंग थोड़ा सा पाउडर और मैं कंसीलर को सेट कर लूँगी. ओके आई एम टेकिंग दिस ब्राउन दिस कलर फॉर माय क्रीज और इसको मैं क्रीज में ब्लेंड करूँगी. नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस आई शेडो. नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस फ्लफी ब्रश और मैं इसको इन दोनों को ब्लेंड कर दूंगी. ओके नाउ द फन पार्ट इज ये पैलेट ले रही हूँ. किस रोज की पैलेट है ये और इसमें से मैं ये येलो कलर ले रही हूँ. नाउ अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा इंटेंस लुक आए तो ये फिक्सिंग स्प्रे ले रही हूँ मैं रिवाज कॉस्मेटिक का और इसको अपने ब्रश पे स्प्रे करूँगी.
लाइक दिस और देन मैं इसको जो है कलर में डिप करूंगी लाइक दिस और इसको मैं अप्लाई करूंगी. मैं जो हूँ स्कॉच टेप ले रही हूँ और इसको मैं अपने कॉर्नर्स पे लगाऊंगी. मैं ले रही हूँ ये ब्राउन आई शेडो. और इसको जो है मैं ये स्मॉल ब्रश से इस तरह से मैं जैसे लाइनर नहीं लाइनर लगाते हैं उस तरह से अप्लाई करूंगी. Like this. Then आपने इसको उतार देना है. Okay, now for the lower lash line, I'm taking same brown color और इसको मैं सिर्फ इतना हाफ वे में ही लगा रही हूँ. अब मैं अपनी आई लैशेस को कर्ल कर लूँगी और इसको और मस्कारा लगा लूँगी. ओके, मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ असेंस कॉस्मेटिक का गेट बिग लैशेस. ओके, लैशेस के लिए आई एम यूजिंग मैक्स फैक्टर की 3D आई लैशेस को लगा के मैं वापस आती हूँ. सो फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग दिस पिंकिश कलर. सो दिस इज़ द फाइनल लुक. होप यू लाइक इट. अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप और आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय.